गाइस, अफरोज टेलर चैनल का नाम है मेजरमेंट ब्लाउज का लेंथ 15, शोल्डर 16, अपर चेस्ट 41.5, चेस्ट 43, वेस्ट 37.5, आर्मोल 17, स्लीव लेंथ 10, लूजिंग 12, फ्रंट डीप 8, बैक डीप 10। क्रॉस बेल्टेड वाला ब्लाउज कटिंग करने जा रहा हूँ। वेस्ट 33, 37.5, इसका शोल्डर रखना है, थोड़ा हैवी साइज है, इसका शोल्डर 12 रखेंगे। अगर नॉर्मल ब्लाउज में नॉर्मल साइज में तो हाई रहता, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ के है क्योंकि हैवी साइज है थोड़ा। और यहाँ का निशान, आर्मोल का निशान 6.5, इस पे निशान डाल देना है। उसके बाद ये मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे, ये मार्किंग को भी हम सीधा कर लेंगे, और ये बैक डॉट्स का निशान डाल दिए। बैक डिप है 10 को ऐसा निशान डाल देंगे, ऐसा निशान इसलिए लगाते ताकि शोल्डर गिरे ना। ये आर्मोल का निशान हो गया, आर्मोल 17 है, थोड़ा ऐसा करेंगे, ये वाला भी सेव डाल देंगे। ठीक है, चेस्ट बड़ा है तो 1.25 इंचेस डालना है। ठीक है, यहाँ पे भी इधर भी 1.25 इंचेस डालना है। इसको मिनिमम यहाँ से 3 इंचेस पे निशान डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ये स्केल को ऐसा रख के ये वाला निशान को स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद ये निशान हम डाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्हील मारक इस पे डालेंगे। ये पूरा व्हील मारक डालने से बैक की ये फ्रंट का निशान पूरा क्लियर हो जाता। अब ये वेस्ट को देखना है, वेस्ट 37 है तो 3 पॉइंट है, अरे 3.5, अरे इसको यहाँ पे ऐसा करके यहाँ रखेंगे 1/2 इंची बढ़ के। 37.5 है तो ये 38.5 रखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दो। इसको बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रिल से जैसा आता ना, वो नहीं आने का चांस रहता। ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे। और एक बात, अभी ये फ्रंट डिप कितना है, 8 है तो हम 8 पे ही निशान डाल दिए। अब इसको मार्किंग डाल दिए, अपना ये थोड़ा कम हो रहा तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा निशान डाल देंगे कटिंग करने के वक्त में, यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, और ये सेव डाल देंगे। कस्टमर क्या बोलते हैं कि मेरा शोल्डर गिर जा रहे,
शोल्डर गिर जा रहे भाई चंद, क्यों बोले तो डिप ज़्यादा है तो शोल्डर गिरने का ही चांस रहता। तो अपन क्या करेंगे, इसको हाफ इंची इधर करेंगे, देखो हाफ इंची कर दिए। उसके बाद यहाँ से अपन ये वाला कट लगा देंगे, ये वाला पार्ट को अपन निकाल देंगे। देखो यहाँ पे हम कटिंग कर दिए इतना सा, ठीक है, बोले तो हाफ इंची से कम थोड़ा। उसके बाद ये यहाँ से होगा, ये पे निशान डाले हैं हम, लेकिन ये निशान को नहीं फॉलो करना है। अब जो है शोल्डर इनका गिरता तो इसको ऐसा हम निशान डाल दिए, ठीक है। और एक अब इधर से तो हाफ इंची करें, इधर से भी इधर हाफ इंची कर देंगे। देखिए यहाँ से भी कट कर दिए थे हम पहले, लेकिन शोल्डर गिरने की वजह से ये चीज़ को हम थोड़ा इधर करें तो इससे शोल्डर नहीं गिरता, ठीक है। अब ये कटिंग कर दिए, ये हो गया, बाकी अब ये भी कट कर दिए। अब ये कितना आना था, एट आना था, एट आ रहा, देखो मार्जिन में जा रहा इतना, ठीक है। अब ये पल्ला को हम साइड कर देंगे, अब यहाँ से ये निशान डाल देंगे, फिर ये वाला निशान के सीधे में ही ऐसा मिनिमम 4 इंचेस तक लगा देंगे। उसके बाद ये वाला लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब क्या करना, इसको हाला झाड़ना है। तो हाला कैसे झाड़ेंगे, ये ऐसा पकड़ के थोड़ा ऐसा रख के उसके बाद फिर ऐसा हाला झाड़ देंगे। देखो ये हमारा हाला भी बहुत अच्छा दिख रहा, सुपर दिख रहा है ये। अब इसको मेजरमेंट करें, करेक्ट आ गया। उसके बाद ऐसा कर रहे तो थोड़ा सा यहाँ पे, क्यों बोले तो कारीगर को अच्छा नहीं दिखता, इसलिए डॉट से इधर उधर लगा देते हैं। ऐसा करके लगाएंगे तो चांस नहीं है इधर उधर लगाने का, एग्जैक्ट ही लगाते, ठीक है। ये हमारा बैक फ्रंट हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हैंड से निकालेंगे। अब हैंड से कटिंग कैसा होता, ये ऐसा करके थोड़ा आयरन डाल देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा मार्किंग सीधा कर लेंगे, ठीक है। टेन इंचेस लेंथ है, अगर हैवी साइज है तो क्या करते थोड़ा नीचे करो, नॉर्मली तो 3 इंचेस पे रहता, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइज थोड़ा ज़्यादा है बोल के नीचे करेंगे थोड़ा, ठीक है। ये निशान डाल दिए, यहाँ पे 12 लूजिंग है, 12 डाल दिए। इसको भी हम, ये स्केल थोड़ा सेप में है तो सेप में ही रख के ऐसा डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा काट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या बेल्ट निकालना है, बेल्ट के लिए एक ये निशान डाल दो, एक ये डालो। उसके बाद यहाँ से यहाँ थोड़ा क्रॉस करना है, इधर थोड़ा कम करना, मतलब थोड़ा सा ऊपर तरफ क्रॉस डालना है, इधर भी ऊपर तरफ थोड़ा क्रॉस, मतलब ऊपर जाके थोड़ा बड़ा होना, जैसा कि यहाँ पे है 11.5, तो यहाँ आ रहा 12, हाफ इंच का डिफरेंस हो गया। क्यों बोले तो हुक काच पट्टी लगाते ना उस टाइम में स्ट्रेट हो जाता,
अगर आप ये ऐसा क्रॉस करेंगे तो हुक का पट्टी के टाइम में क्रॉस हो स्टेट हो जाता है।